तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक, टू टाइम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों में से एक विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस बात की जानकारी के साथ कि आप इस फिल्म को देख सकते हो इसी महीने की 28 तारीख को सिनेमाघरों में, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है मेरे भाई। तो दोस्तों कैसा है द वैक्सीन वॉर का ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई इस फिल्म को इंडिया के हर एक इंसान को देखना चाहिए? तो भाई इन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही जब प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया वो फिल्म अब 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं होगी, तो भैया इस खबर को सुनते ही दो फिल्मों का रिलीज डेट जो है, जो कि भैया बॉलीवुड की आने वाली मच अवेटेड फिल्में हैं, उनका रिलीज डेट चेंज हुआ और इन दोनों फिल्मों ने अपने फिल्म का जो रिलीज डेट है वो चुन लिया 28 सितंबर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब इस डेट पर भैया सलार नहीं आने वाली है। तो भाई ये दोनों फिल्में कौन सी है? तो भैया एक फिल्म है फुकरे का पार्ट थर्ड और दूसरी फिल्म है ये, यानी कि भैया द वैक्सीन वॉर, जिसका इंतज़ार इंडियन ऑडियंस बहुत ही बेताबी से कर रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम भी उस कहानी को देखना चाहते हैं कि जब पूरा विश्व कोविड की मार झेल रहा था, पूरे विश्व को कोविड ने अपने चंगुल में जगा रखा था, हर तरफ महामारी का शोर शराबा था, गमों का सैलाब बह रहा था, कई लोग अपनों को खो रहे थे, कई लोग भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान हमें इस महामारी के कालखंड से बचा लो, हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे करीबी हैं, वो इस कालखंड में खुद को ना खो दें, हमें इतनी शक्ति दो कि हम उनकी जान बचा सकें। दोस्तों कोविड काल क्या था ये बात तो आप सभी को अच्छे तरीके से याद होगा, अभी ज़्यादा दिन बीते भी नहीं है इस महामारी को गुजरे हुए, और भाई इस महामारी में कितनों ने अपनों को खोया है, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने परिवार बर्बाद हुए हैं इस कोविड काल में, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है मेरे भाई। जब ये महामारी चाइना से निकल के आया था और चाइना की उस घिनौनी राजनीति को जब पूरे विश्व ने देखा था, तो भाई उसके बाद से ही चाइना नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। भाई उन लोगों ने क्या किया पूरे विश्व के साथ, ये तो सच्चाई खुलकर किसी के सामने नहीं आई, लेकिन हाँ 101% ये बात कही जाती है कि भैया ये जो महामारी पूरे विश्व में फैली थी, जिसने भैया पूरे विश्व के सिस्टम को तबाह कर दिया था, वो महामारी भैया बनाकर लोगों के सामने रखी गई थी, यानी कि भैया जानबूझकर ऐसा वायरस फैलाया गया था पूरे विश्व में। कोविड क्या था ये बात दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, जो कि भैया 2 साल 3 साल 4 साल का था। इवन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो भाई कोविड को मैंने जितने करीब से देखा है, और कोविड काल में मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोगों को भी याद होगा कि जब मुझे कोविड हुआ था तो वो दौर मेरा कैसा गया था भाई, काम बंद, फाइनेंस ख़त्म और ज़िंदगी के लाले पड़े थे, घर से हॉस्पिटल पहुंच चुका था और हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहा था, उस वक्त डर लगा रहता था इस बात का कि भैया कब कोविड मुझे निगल ना जाए। और उस बुरे दौर में मुझे आज भी याद है कि जब मैं सब तरफ से टूट गया था तो मैंने आप लोगों के सामने हाथ फैलाकर मदद की भीख मांगी थी और आप लोगों ने दिल खोल कर मेरी मदद की थी, और आप लोगों की ही मदद की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। तो दोस्तों आज जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया, तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद दिल से मैं सबसे पहले अपने देश के उन साइंटिस्टों को सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने इस कोविड काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना सब कुछ त्याग कर उन्होंने जितने कड़े मेहनत से हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जो स्वदेशी वैक्सीन बनाया था ना, उसके लिए हम जितना उन्हें सैल्यूट करें वो कम है भाई। वो दौर ऐसा था कि जब पूरा यूरोपियन कंट्री तबाह हो चुका था कोविड काल में, तो भाई यूरोप से ये स्वर हमें सुनने को मिलता था कि भाई जब यूरोप का ये हाल है तो
तो भैया इंडिया का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा इंडिया का, क्या इंडिया खुद को बचा पाएगा, क्या इंडिया में वैक्सीन बन पाएगा। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब हमारे देश के साइंटिस्टों ने जब अपना स्वदेशी वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व को दिया था, तो उसके बाद जो भैया सिलाई हुई है ना पूरे विश्व के जुबान की, वो तो आज भी सबको याद होगा। हमारे स्वदेशी वैक्सीन की वजह से भैया तीसरा वेव जो था कोविड का, हमारे देश में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया और आज हम कोविड काल से पूरी तरह से बाहर निकल सके हैं। तो दोस्तों कैसे बना था वो वैक्सीन, किस तरह से हमारे साइंटिस्टों ने हर एक अड़चन को पार करते हुए अपने देश के लिए वो स्वदेशी वैक्सीन बनाया था, वही कहानी लेकर आ रही है द वैक्सीन वॉर। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस फिल्म में नजर आ रहे जितने भी कलाकार हैं, यानी कि भैया नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, राइमा सेन, अनुपम खेर, गिरिजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्य, सप्तवी गौर और मोहन कपूर, जितने भी कलाकार इस ट्रेलर में नजर आ रहे हैं सब बहुत ही बेहतरीन काम करते नजर आ रहे हैं। और भाई इस फिल्म के मेकिंग को देखने के बाद एक बात तो साफ हो रही है कि भाई विवेक अग्निहोत्री अपने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के माध्यम से एक और ज़बरदस्त फिल्म सिनेमा घरों में रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसको देखकर भाई कई लोग दुखी तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो इस बात पर प्राउड फील करेंगे कि भैया हमारे देश के साइंटिस्टों ने हमारे लिए उस बुरे दौर में क्या किया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में ज़रूर जाइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।